मैं बलदीप सिंह सिरसा, प्रधान BKU पंजाब। ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो हमारे मुख्य एजेंडे थे उन पर विचार चर्चा हुई। जैसे कि प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को तीनों खेती विरोधी कानून रद्द करने की बात करी थी और उसके बाद 24 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग में उन कानूनों को रद्द करने के लिए एजेंडा रख के पास कर दिया और जो 29 तारीख को पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसमें ये बिल लाकर ये तीनों खेती विरोधी जो कानून है, कृषि विरोधी कानून है, तीनों ही इनको रद्द करने का वचन दिया है। और आज हमने इस के संबंध में मीटिंग में ये फैसला किया कि जब सरकार इन कानूनों को रद्द करने के लिए कुछ आगे आई है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इस जो 29 तारीख को संसद मार्च का ऐलान किया था उसको भी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दें। जैसे कि हमने अगली जो तारीख है वो 4 दिसंबर रख दिया है, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग रख दी है। ये इसलिए है कि पोस्टपोन इसलिए किया है कि इन्होंने जो ये ऐलान किया रद्द करने का, तो देश के लोग ये ना सोचें कि जो किसान हैं ये अड़ियल वतीरा कर रहे हैं, ये समझौता नहीं करना चाहते, इसलिए हमने पोस्टपोन किया। लेकिन सरकार की तरफ से आज अभी तक जो ये कानून रद्द करने की बात करी है वहीं पर जो हमने इनको खुला खत लिखा था कानून रद्द करने के ऐलान के बाद, हमने 6 मांगों का चार्ट भेजा था। जैसे कि सबसे पहले हमने MSP की बात करी थी कि जो MSP का मुद्दा है ये पूरे देश में कानून के तहत लागू की जाए। जितनी भी देश में जो भी फसल होती है उसकी MSP के रेट पर जो है वो खरीदी यकीनी बनाई जाए, गारंटी शुदा हो कि जिस भी किसान ने जो भी फसल बीजी है वो, जैसे कि 23 फसलों की लिस्ट पहले हुई बनी हुई है, उन फसलों में से जो भी फसल होती है उसकी खरीदी MSP के रेट पर की जाए और जो भी उससे कम खरीदे उस पर जो है वो किस किया जाए और ताकि किसान को सही दाम मिल सके। लेकिन आज तक उसके बारे में केंद्र की तरफ से कोई ऐसा विश्वास नहीं आया। केवल आज कृषि मंत्री की तरफ से बयान आया कि हम जो है कृषि जो MSP है इस पर कमेटी बनाएंगे। लेकिन कमेटी बनाए इस बयान से हमारी संतुष्टि नहीं होती क्योंकि जो कमेटियां बनाई जाती हैं वो तो केवल किसी भी मुद्दे को जो है वो ठंडे बस्ते में डालने की एक इनकी जो आज तक नीति चली आई है वही एक इनका एक जो लोगों के साथ एक धोखा होता है, एक फ्रॉड होता है, जिस पर हम भरोसा नहीं करते। हम चाहते हैं कि MSP पर जिक्र कमेटी भी बनती है तो वो कमेटी में आदमी कौन होंगे, किसान नेता कैसे होंगे। ऐसा ना हो कि कोई जो हमारे में से जो हमने संघर्ष किया हमारे में से तो कोई नेता लिया ना जाए, किसान नेता कोई अपनी मर्जी के ये किसानों को उस कमेटी में डालकर जा और जा सरकार अपनी मर्जी से ही कमेटी में जो प्रक्रिया है वो करके तो ये कह दे जी कमेटी ने ये फैसला कर दिया है। तो इससे हम ये चाहते हैं कि कमेटी में कौन से मेंबर होंगे और उसका समय कितना होगा, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो क्या होगा, क्या उस कमेटी की जो सिफारिशें आती है उनके ऊपर कानून बनाया जाएगा। इसलिए हमें ये पूर्ण तौर पर जो है वो हमारे से बात करके लिखती तौर पर भरोसा दिया जाए। और इसके साथ ही जो हमारे 700 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं उनकी जो घर परिवार की जो देखभाल है उसके लिए उनके मुआवजा, उनके परिवारों को नौकरी, बच्चों को नौकरी के लिए ये भी हमारी मांग थी। और जो हमारे किसानों के ऊपर पर्चे हुए, जैसे हरियाणा की बात करें तो 45,000 से ऊपर हमारे किसान भाइयों के ऊपर हरियाणा में पर्चे हुए हैं जिनमें 307 के पर्चे भी हैं, इसी तरह दिल्ली में भी हैं और लोगों के ट्रैक्टर हैं वो थानों में खड़े हैं, वो भी जो है साथ के साथ उसका भी निपटारा किया जाए। और इसी तरह जो हमारे NR भाई हैं
जिन्होंने इस मोर्चे को बहुत सपोर्ट किया उनकी इन्होंने काली सूची की है, तैयार की है, जो यहाँ पर आते हैं तो उनको वापस रिपोर्ट किया जाता है दिल्ली एयरपोर्ट से ही, वो भी है। इसी तरह जो अजय टैनी है उसको अभी तक इन्होंने जो राज्य मंत्री है उसको बर्खास्त नहीं किया, उसको भी किया जाए। सो ये जो सारी मोर्चे के बाद है, इसी तरह जो बिजली संशोधन बिल ये ला रहे थे 2020 वो भी इन्होंने ज्यों का त्यों ही पड़ा है, उस पर भी अभी कुछ नहीं किया। जो हमारी मीटिंगें चली उनमें भरोसा तो दिया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। इस तरह हमारी जो पहले मांगे थी उन पर और जो इस संयुक्त मोर्चे की तरफ से आंदोलन के बाद जो मांगे और बढ़ी है, हमने इसमें नई मांग कोई भी नहीं करी, सिर्फ पहली मांगे हैं जैसे तीनों खेती विरोधी कानून रद्द करने और जो MSP है वो पूरे भारत में कानून के तहत लागू करनी और जो पराली के संबंध में बड़ा कानून है वो और जो बिजली शोध बिल आ रहा था ये था। और जो लोग कहते हैं कि MS की बात नहीं जोड़ दिया, अरे भाई नई बात नहीं जोड़ी गई, नई मांग नहीं है ये, ये तो बहुत पहले मांगा जा रही है। जिसकी मिसाल है कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट वो क्यों तैयार हुई, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन क्यों बनाया गया और 2011 में इसी जो आज प्रधानमंत्री है इनकी देखरेख में भी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने क्या फैसला किया था। उस वक्त तो ये कहते थे कि कानून के जो है ये MSP की गारंटी होनी चाहिए, कानून के तहत बननी चाहिए, आज वही प्रधानमंत्री इससे मुकरा। सो ये मांग पुरानी है, पहली है और जब हम मोर्चा शुरू किया उससे पहले की है, ये मांग पत्र पढ़ सकते हैं। और बाकी जो आंदोलन के चलने के बाद मांगे बढ़ गई, जैसे लोगों के ऊपर केस पर्चे दर्ज किए गए और हमारे परिवार जो शहीद हुए हैं उन पर है, जो काली सूची है, सो ऐसे ऐसे जो कानून जो नई मांग है वो नई मांग कोई नहीं है, वो संयुक्त मोर्चे की तरफ से आंदोलन खड़ा करने के बाद जो हमारी समस्या बनी उन वो मांग है। सो ये मांग पूरी करना जो है ये केंद्र की जिम्मेवारी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 19 तारीख को इस बात की वो गलती मान चुके हैं कि ये हमने जो है कानून रद्द करते हैं और देश के लोगों से माफी मांगते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए ये जो प्रधानमंत्री जी ने गलती मानी है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने गलत कानून बनाए जिसके कारण हमें आंदोलन शुरू करना पड़ा और उस आंदोलन के कारण ही जो है ये हमारे परिवार जो किसान भाई जो हमारे शहीद हुए, जहाँ लोगों पर पर्चे हुए, जेकर ये कानून गलत ना होते हम मोर्चा ना लगाते तो हमारे जो किसान भाई आए वो दिल्ली में गए जहाँ और कहीं है, राजस्थान में है, पंजाब में है, जो हरियाणा में इतने पर्चे हुए हैं ये केवल इसी आंदोलन के कारण ही हुए हैं। जो काली सूची इन्होंने आंदोलनकारियों को सपोर्ट करने के कारण हमारे NRI भाइयों को दिया वो भी आंदोलन के कारण है। सो जितनी देर ये मांगे पूरी नहीं हो जाती हम उतनी देर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, उतनी देर ये आंदोलन है जो इसी तरह जैसे पहले चलता आ रहा है इसी तरह चलता रहेगा। और जो कई भाई इस पर शंका करते हैं कि पंजाब के लोग जो हैं ये शायद तीनों कानून रद्द होने के बाद कानून बनने के बाद कानूनी तौर पे ये रद्द किए जाएंगे तो शायद पंजाब के लोग चले जाएंगे, अरे भाई पंजाब के लोग नहीं जाने वाले। हमारा जो इतिहास है आप देखिए कि गुरु नानक देव जी से लेकर जिस वक्त बाबर का राज था तो बाबर को गुरु नानक देव जी ने जाबर कहा, उसकी फौज को पापियों की जंज कहा, और जैसे आता है वाणी में भी आता है पाप की जांजला काबलों धाया जोरी मांगा दान वे लालो, लालों को संबोधन करके उन्होंने ये शब्द का उच्चारण किया था। उसके बाद भी समय समय हमारे 10 गुरुओं में से जैसे 5वें गुरु ने भी शहादत दी, 6वें गुरु ने मल के ये जंगें लड़ी और उसके बाद 9वें गुरु ने भी शांतमय शहादत दी। उसी शांतमय शहादत के हम रास्ते पर चलते हुए, गुरुओं के रास्ते पर चलाए हुए रास्ते पर चलते हुए हमने ये शांतमय मोर्चा चलाया और आज हम जीत की कगार पर पहुँचे हैं और कौम का ये पूर्ण योगदान है। सो
उस वक़्त तो हम जो कुछ भी किया बिना वादे के किया, गुरुओं के रास्ते पर चलते हुए हमने अपनी जिम्मेवारी समझी और किया। इसी कारण ये आंदोलन हम पंजाब से लेकर चले थे कि ये देश के सभी लोगों के पेट के ऊपर लात बज रही है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे मुलाजिम है, चाहे कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ, सब पर ये इसका असर होना था, ये पेट का सवाल था, जिसलिए हम चले। और आज ये जो आंदोलन शुरू किया, ये ठीक है कि ये पंजाब से चला, लेकिन पंजाब से चलकर ये हरियाणा को साथ में लिया, राजस्थान को लिया, यूपी को लिया, आज ये आंदोलन पूरे देश का बन चुका है। और हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन ठीक है, शुरू पंजाब से हुआ, लेकिन जो आज जीत के मंजिल पर पहुंचे हैं, ये अकेले पंजाब के कारण नहीं है, ये देश के सभी लोगों का सहयोग है, और हरियाणा का तो बहुत बढ़कर है, जिन्होंने मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर किसी भी गांव में नहीं उतरने दिया, उन लोगों को भी बढ़िया। और लखीमपुर खीरी के जो हमारे शहीद हुए हैं, उनका भी इसमें बहुत योगदान है। और एक बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे लखीमपुर खीरी में हमारे 18-19 साल के बच्चे जाते रहे, अब उनका जो बाप है, जो उनका परिवार है, वो धान लेकर मंडी में जाता है, और उसका धान जो है वो 1100 में खरीदा जाता है, तो वो सोचेगा कि ये क्या हुआ, मेरे बेटे की शहादत भी होगी, इसीलिए हुई थी, और मेरा वह हमारे लोगों का, किसान भाइयों का जो धान है उसी रेट पर बिक रहा है, 1100 पर बिक रहा है, इस पर MSP क्यों नहीं मिल रही, हमें एक पूरा रेट क्यों नहीं मिल रहा, तो वो सोचेगा तो क्या सोचेगा। इसलिए भाई हमने जो वादा किया था, एक तो वो वादा निभाएंगे और अपने इतिहास को कायम रखेंगे। पंजाब के लोग ये आंदोलन जीतने के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बलदेव सिंह सिरसा।